Hello students, in today's lecture we are going to start with third chapter, that is coordinate geometry. अब ये coordinate geometry समझने के लिए हम यहाँ पे एक example consider करते हैं. जैसे कि suppose ये कोई main road है और ये उसके ऊपर बने हुए कुछ suppose मान लो कि स्ट्रीट्स है, ठीक है. तो मैं स्ट्रीट्स के नाम ए बी सी डी ई इस तरीके से बता दूं और हर एक स्ट्रीट में सपोज तीन तीन बंगलोज है, ठीक है. इस तरीके से सपोज तीन तीन बंगलोज हैं, हम ऐसा मान लें. ठीक है, ये कोई सपोज मेन रोड है जो भी आपको रखना हो, ठीक है. और ये ए बी सी डी इस तरीके से स्ट्रीट डी ई तक के इस तरीके से हमारे पास स्ट्रीट्स है और हर एक स्ट्रीट में तीन तीन बंगलोज है, ठीक है. ऐसा हम यहाँ पे मान लेते हैं. अब सपोज मान लो कि आपको यहाँ पे कोई भी एक बंगलो को क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक है. यू वॉन्ट टू लोकेट वन बंगलो. तो मैं जैसे कि कह दूं कि भाई मेरा बंगलो नंबर 3 है फॉर एग्जांपल, तो आपको होगी कि इसमें से कौन सी स्ट्रीट में बंगलो नंबर 3, समझ में. अब या तो फिर मैं ऐसा कह दूं, ठीक है, कि भाई मेरा बंगलो जो है वो ए स्ट्रीट में है, तो ए स्ट्रीट में कौन सा बंगलो, ठीक है. मतलब कोई भी बंगलो यहाँ पे लोकेट करने के लिए आपको मिनिमम दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. एक स्ट्रीट का अल्फाबेट और दूसरा बंगलो का नंबर, कि भाई मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि ए 3, हाँ, तो पता चले कि स्ट्रीट ए बंगलो नंबर 3 मेरा है, समझ में. तो कोई भी चीज को या कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मिनिमम दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. इस कंसेप्ट के ऊपर पूरा हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है या डिपेंडेंट है, ठीक है. ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, कि जिससे हम अलग अलग चीजों को कार्टेशियन प्लेन यानी कि आपका ग्राफ पेपर उसके ऊपर हम क्या कर सके, अच्छे से प्रेजेंट कर सके, ठीक है. प्लेन यानी कि अब आपको पता है, मैंने ज्योमेट्री चैप्टर 6 स्टार्ट करते वक्त आपको बताया था, ठीक है. प्लेन अनडिफाइंड क्वांटिटी है पर एक बाउंडेड रीजन होता है, ठीक है, कि जिसमें हम अलग अलग चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं. तो कार्टेशियन प्लेन इन द सेंस, कार्टेशियन प्लेन इन द सेंस कि आपका ग्राफ पेपर, ठीक है, कि जिसमें हम अलग अलग चीजें अगेन क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो हम अब समझते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये कुछ भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है. सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि कोई भी चीज को लोकेट करने के लिए दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो वो हम समझें. देयर आर टू एक्सेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एक्सेस which is known as x-axis ठीक है, then vertical axis which is known as y-axis. okay, there are two axes in cartesian coordinate system, horizontal axis which is known as x axis, horizontal axis jo hota hai usko hum x axis kehte hain,
एंड वर्टिकल एक्सिस विच इज नोन एज वाई एक्सिस. ओके देन दिस बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और एल के आर. जब पूरा स्पेलिंग ना लिखना हो परपेंडिकुलर तो इस तरीके से शॉर्ट में हम लिख सकते हैं. ये मेरे घर का नहीं है ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ठीक है. वैसे मैथ्स वाले थोड़े हम लेजी होते हैं लिखने में, इसलिए ऐसा होता है. दिस बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विच इज नोन एज एक्स एक्सिस, इधर हम एक्स डैश कहेंगे. ये वर्टिकल एक्सिस है विच इज नोन एज वाई एक्सिस, ये वर्टिकल ठीक है, और यहाँ पे वाई डैश. ओके तो ये जो है ये हमारा बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका. सपोज आप इसको ग्राफ पेपर अज्यूम कर सकते हो ठीक है, और उसमें ये एक्सिस. तो पहले आप इतने नोट्स लिख लीजिए, इसमें अभी और आगे काफी सारे नोट्स है जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा ठीक है. तो पहले आप इतना लिख लीजिए, अभी कुछ ग्राफ पेपर में करने की जरूरत नहीं है, नोटबुक में ही ये सारी चीजें आपको करनी है ठीक है. तो नोटबुक में ही ऐसे सब सारे पॉइंट्स लिखिए और नोटबुक में ही सिर्फ इतना आप एक्सिस बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस. इससे आप फैमिलियर भी हो, एट क्लास में हमने ये किया हुआ है ठीक है. हाँ तो पहले इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़े. अगेन फिगर आपको पेंसिल और स्केल से ही बनाना है, ये आपकी आदत बन जानी चाहिए. मैं इसीलिए आपको टाइम ज्यादा ही दे रहा हूँ बीच बीच में लिखने के लिए कि भाई आप फिगर्स सारी चीजें अच्छे से प्रेजेंट कर सको, नोट्स अच्छे से ऐसे अच्छे नोट्स आप बनाओ कि कभी रिवाइज करने हो ना तो रिवाइज करने का मन. रफ बुक जैसे नोट्स आप बनाओगे तो वो कभी भी रिवाइज करने का आपको खुद कोई मन नहीं होगा ना, इसलिए ये आप ध्यान में रखो नोट्स अच्छे से बनाओ कि कभी जिंदगी में रिवाइज कर सको. ओके होपफुली आपने लिख लिया होगा. यहाँ पे एक आपको परपेंडिकुलर का ऐसे सिंबल लगाना है ठीक है. एज सच दिस बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल ठीक है. हाँ फिर intersecting that point is called origin. Okay,
उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय ओ, जिसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट किससे किया जाता है, ओ से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स होता है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो ये पॉइंट जहाँ पे कहीं पे जहाँ पे मतलब ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, और इट विल बी प्रेजेंटेड बाय ओ, उसको क्या कहा जाता है, हमेशा ओ कहा जाता है। ठीक है, और इस ओरिजिन के, ओरिजिन जो है वो नंबर लाइन के, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीरो होगा। ठीक है, तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं, 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट जहाँ तक जरूरत पड़े तो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, यानी कि -1, -2, -3। और सेम वे वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, और नीचे सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम इनको स्केल में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि भाई हमें 10 10 का स्केल मेंटेन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई पहला हम ऊपर स्केल मेजरमेंट हम लिख देंगे कि भाई ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, फिर सीधा यहाँ 10 20 30 40, -10 -20 -30, 10 20 30 -10 -20 -30, उस हिसाब से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। 100 का भी स्केल मेजरमेंट, जिस हिसाब से हमारा डेटा या जिस हिसाब से हमारा इंफॉर्मेशन जो कि हम कार्टेशियन प्लेन पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से क्या होगा, हमारा स्केल मेजरमेंट होगा। ठीक है, इसका यूज भी आप लोग कर चुके हो, आप लोगों ने जो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब कि आपका 8th चैप्टर मोशन, तो मोशन में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, देन स्पीड टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपने ऑब्जर्व किए होंगे। तो ये ग्राफ के जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो किस पे बेसिस पे होंगे, इसी बेसिस पे होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें इसी तरीके से क्या किया जाता है, डेटा प्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो रिस्पेक्टिवली आप एक टाइम एक्सिस, एक वेलोसिटी एक्सिस या स्पीड एक्सिस या एक्सेलरेशन, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उस हिसाब से क्वांटिटीज डिसाइड करते हो एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंगली, और आपका डेटा क्या करते हो, आप प्रेजेंट करते हो। समझ में आया? तो वही हम यहाँ पे आगे ग्रेजुअली देखते जाएंगे कि पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें कैसे प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो अगेन पहले ये लिख लीजिए और इसी तरीके से पेंसिल और स्केल से ये बना लीजिए फिगर नोटबुक में ही। ठीक है,
होमवर्क भी आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से ही. सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी प्लॉट द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि ग्राफ पेपर पे हम कैसे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं. How to plot point on Cartesian plane. Cartesian plane पे हम किस तरीके से point plot कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए पहले हम समझे कि पॉइंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है. तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट विल बी प्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर यानी कि वो इस फॉर्म में होता है एक्स वाई, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? इस तरीके से क्या किया जाता है, पॉइंट को प्रेजेंट किया जाता है कि जिसमें एक्स और वाई ये कोई दो नंबर्स हमारे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, ओके. एंड ये दोनों कॉमा से सेपरेट, कॉमा से लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो होता है दैट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट. विच इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, जिसको एब्सिसा भी कहा जाता है, ठीक है? और जो कॉमा के राइट हैंड साइड पे होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट. Which is known as ordinate, जिसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ठीक है? हमेशा पॉइंट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स वाई इस तरीके के ब्रैकेट के साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, कि जिसको एब्सिसा भी कहा जाता है, और राइट हैंड साइड पे जो होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, कि जिसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ठीक है? ये आप याद रखना, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, जो कि अभी आगे हम एग्जांपल देंगे कि पॉइंट प्लॉट ऐसे करने हैं, उसमें मैं ये यूज करूंगा टर्म्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. तो आपका तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर है वो x कोऑर्डिनेट है और दूसरा नंबर है वो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है? अब इन कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या करना है और पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये भी खास याद रखना, वन मार्कर में, फिलिप्स में, हर जगह पे ये पूछा जाता है, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, एब्सिसा भी कहा जाता है, ठीक है? ऑर्डर पेयर दे देंगे 2, 3, इसका एब्सिसा बताओ, तो तुरंत पता चलना चाहिए कि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि पहला नंबर यानी कि 2, और ऑर्डिनेट क्या है, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट यानी कि दूसरा नंबर यानी कि 3, ठीक है? तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पॉइंट प्लॉटिंग का.
अब हम पॉइंट प्लॉटिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पता चले। अभी भी आपको नोटबुक में ही ये सारी चीजें करनी है, ग्राफ पेपर की जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास होने चाहिए ग्राफ पेपर्स। प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर और कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब देखो इस तरीके के हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस वो वाला सब कंसेप्ट समझ लें। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे कॉमा है, तो पहला नंबर हमारा है 2 और दूसरा नंबर हमारा है 3। मतलब इस पॉइंट का या इस ऑर्डर्ड पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 3, ठीक है। पहला नंबर जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा नंबर जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। फिर ये वाला ऑर्डर पेयर अगर हम देखें तो इसमें x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है -2, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट है 2। यहाँ पे देखें तो x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा हमारा है 3 और y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट हमारा है -3। यहाँ पर अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा हमारा है -2 और y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट हमारा है -2। दोनों सेम है या इक्वल है वो भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है। ये सभी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लॉटिंग समझ ले, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ x एक्स डैश और ये वर्टिकल एक्सिस हुआ वाई वाई डैश। दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ओ, ठीक है। फिर यहां पे आपको 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये 1 2 3 मार्क करने हैं, नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3। ऊपर 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 2 एंड 3, नीचे 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करें, तो देखो यहाँ पे पहला ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। सपोज हम इसको A2, 3 बता देते हैं, यानी कि ये पॉइंट A है, ठीक है, अल्फाबेट कोई भी दे दिया। तो ये पहला पॉइंट A2, 3 हम इस कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं। तो आपको इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 3। अब x कोऑर्डिनेट को आप क्या करो, x एक्सिस पे ढूंढो। तो x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे ढूंढे, ये रहा 2, और y कोऑर्डिनेट को आप क्या करो, y एक्सिस पे ढूंढो। तो y एक्सिस पे 3 किधर है, यहां। अब इन दोनों में से जो परपेंडिकुलर लाइंस निकलते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइंस जहां कहीं पे भी मिलते हैं वो हमारा हो जाएगा A2,
समझ में आया? ठीक है, अभी आपको परपेंडिकुलर लाइंस नोटबुक में ये ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन ग्राफ पेपर होगा तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर के ही क्या होते हैं आपके ब्लॉक होते हैं, तो ग्रीन कलर का डार्क लाइन जा रहा होगा, यहां से भी जा रहा होगा, तो आप क्या कर दो, सिर्फ मैच कर दो, दोनों ग्रीन लाइन किधर मैच हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, A2, 3। हम सारी चीज रिपीट भी करेंगे, जैसे कि अपना दूसरा पॉइंट है, सपोज इसको मैं बी कह देता हूं, ठीक है, तो B1, -2 हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट -2, तो पहले एक्स एक्सिस पे हम क्या ढूंढेंगे, 1 ढूंढेंगे, तो एक्स एक्सिस पे 1 ये रहा और वाई एक्सिस पे -2 ये रहा, ठीक है, तो ये इधर से परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी ये इधर से 1 से परपेंडिकुलर लाइन और ये 2 से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो B1, -2 हो गया, ठीक है, पहला एक्स एक्सिस पे ढूंढना है और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस पे, ये आपको खास ध्यान रहे, इसमें उल्टा नहीं हो जाना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में यानी कि आंसर शीट्स में हमने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग उल्टा कर देते हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहला एक्स दूसरा वाई ऐसे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम सपोज थर्ड पॉइंट जो है उसको सी बता देते हैं, C-3, 2, तो इसको हम प्लॉट करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, यानी कि x एक्सिस पे हमें -3 ढूंढना है, किधर है ये रहा, ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 2, तो y एक्सिस पे हमें 2 ढूंढना है, किधर है ये रहा, दोनों में से परपेंडिकुलर लाइंस ये आ गए, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जिधर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, C-3, 2 हो जाएगा, समझ में, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना कंपल्शन नहीं है, लेकिन अभी आपको ड्रॉ करने होंगे क्योंकि अभी मैं ये नोटबुक में नोट्स के फॉर्म में करवा रहा हूँ, जब हम ग्राफ पेपर पे स्विच होंगे वहां पे परपेंडिकुलर लाइंस ऑलरेडी डार्क ग्रीन कलर के होंगे ही, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सपोज हम ये वाला पॉइंट अपना डी ले लेते हैं, 3, -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 3 ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, और वाई कोऑर्डिनेट इसका -3 है, तो वाई एक्सिस पे -3 किधर है, तो ये रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट के 3 से परपेंडिकुलर लाइन, वाई कोऑर्डिनेट के -3 से, ये परपेंडिकुलर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होते वो हो जाएगा D3, -3, ठीक है, आपको ये सारे परपेंडिकुलर लाइंस स्केल से ड्रॉ करना है और ये सारे नंबर्स जो है वो 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे लगाने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, फिर -2, 2 है, ठीक है, इसको हम E नाम दे ही दे, ये तो बेचारा रह जाए, तो फिर तो x एक्सिस पे हम -2 ढूंढे, x एक्सिस पे -2 ये रहा, ठीक है, वैसे तो ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, तुरंत पता चल ही जाए, और y एक्सिस पे -2 ये रहा, दोनों से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहे हैं वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा E-2, -2, समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन या तो ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन लिख दो ये सारा, और आपकी नोटबुक में वापस से बता रहा हूं मैं कि इस तरीके से आप एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप ये सारे नंबर्स मार्क करोगे, 1, 2, 3, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में, और स्केल से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके A2E ये सारे पॉइंट्स मार्क करोगे, ठीक है, टाइम मैं आपको दे रहा हूँ सफिशियंट, अच्छे से एकदम वाइजली आप इसको प्रेजेंट करो, ठीक है।
कुछ ज्यादा टाइम मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ये प्लॉट कर सको। हाँ, इसलिए पेंसिल स्केल से और जिस हिसाब से मैंने इंस्ट्रक्ट किया उसी हिसाब से प्लॉट करना है। ओके, सो होपफुली अब तक आपने प्लॉट कर ही लिया होगा। अब ग्राफ पेपर अगर अभी तक आपने ना परचेस किए हो तो आप परचेस कर लेना। और जैसे मैंने चैप्टर 6 के एंड में बताया था, आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आइदर यू परचेस बंच ऑफ ग्राफ पेपर, और यू परचेस ग्राफ बुक, और स्पेशल पब्लिकेशन इज अवेलेबल इन मार्केट विच गिव्स द प्रिंटेड ग्राफ बुक ऑफ द 9th क्लास, ठीक है। लेकिन अभी के सिचुएशन में अगर आपको बाहर ना जाना हो और आपके पास ग्राफ पेपर्स पड़े हो, प्रिंटर हो, तो नेट पे से ग्राफ पेपर डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल दो, ठीक है। वो सारे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन ग्राफ पेपर आपको साथ में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत और थियरी पोर्शन होगा, ठीक है, वो मैं हम कंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे और ग्राफ प्लॉटिंग पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं। और हाँ, आरडी के आप डाउट्स का भी टेंशन मत लेना, ग्रेजुअली वक्त मिलने पे पैरेलली वो भी मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। वो भी आपके साथ टाइम टेबल में बीच बीच में आते जाएंगे, जो जिन जिन लोगों ने मुझे 3rd चैप्टर के और वो जो डाउट्स पूछे थे उनके लिए, ठीक है। सो अभी यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, सी यू सून।